दोस्तों, आज मैं आपको बहुत हेल्थफुल वीडियो बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये जेट्रॉन का सेटअप बॉक्स है दोस्तों, और इसमें पता आपको सॉफ्टवेयर होता नहीं है, और सॉफ्टवेयर हो भी जाता तो इसका सबसे पहले तो इसका सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। ठीक है, आप यूएसबी से इसमें कितना भी ट्राई कर लो, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा। RS-232 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें RS-232 का पोर्ट भी नहीं दिया है, और मैंने पोर्ट लगाकर सॉफ्टवेयर करने की कोशिश किया, भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसको आपको IC निकाल के प्रोग्रामर से करके इसमें लगाना पड़ता है। और दोस्तों, इसके लिए बहुत भाई का हमारे पास रिक्वेस्ट है कि सर इसका 88 वर्किंग सॉफ्टवेयर दो। दोस्तों, इसका 88 वर्किंग सॉफ्टवेयर मैंने बहुत पहले बना लिया था, जिसमें 100% 88 वर्किंग था। बाकी मेन दिक्कत था दोस्तों इसका फ्रंट पैनल का, इसका फ्रंट पैनल नॉट वर्किंग है, अभी भी नहीं है। तो इसी के रिलेटेड मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पास से देखो मैंने पूरा कंपोनेंट्स रिमूव कर दिया। यहाँ पर आपको तीन कंपोनेंट्स मिलेगा, यहाँ पर एक देखो खाली जगह, एक दो और एक यहाँ पर, ये तीन खाली जगह, मैं तीनों का निकाल दिया हूँ। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको रिमूव कर लेना है, आपको नहीं लगाना है। उसके बाद जो अपोजिट साइड, यहाँ से आपको बजर मोड में ये दो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट वाला छोड़ के ये डाटा, ये चेक है, ये डाटा एक चेक है। तो इसी से कंटिन्यूटी मिलाकर इसमें दो वायर निकाल लेना, जैसे मैंने एक ये निकाल लिया और एक दूसरा ये निकाल लिया, ठीक है। और ये दोनों निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जम्फर कर देना है यहाँ पर। तो जम्फर कहाँ पर लगेगा मैं बता देता हूँ। ये जो एक वायर है, इसको ये जस्ट यहाँ पर देखो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा है, मैं पहले जम्फर लगा देता हूँ, आपके बाद उसके बाद दिखा दूंगा। ये एक यहाँ पर लगा देना है और एक जम्फर आपको यहाँ पर लगा देना है। ये मैंने लगाई जम्फर। दोस्तों, जम्फर लगाते समय ध्यान दो कि एक में ना सटे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जम्फर लगाते समय एक में दो बार सट जाता है और बूट सही से काम नहीं कर पाता, बूट बंद हो जाता है या बूट में दिक्कत आ जाता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखो मैंने लगा दिया है, एक बार करीब से बता देता हूँ। देखो, एक जो लास्ट वाला पॉइंट में जुटेगा और एक जो बड़ा वाला कैपेसिटर दिख रहा है, इसके जस्ट यहाँ पर एक आपको खाली जगह मिलेंगे, उसके अपोजिट साइड उस पार्ट जुटेगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें दे देना है आपको पावर, ठीक है, हम देते हैं इसमें पावर। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका बूट आ चुका है, तो ऐसे करके इसका बूट आप सेट करना है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको डाल लेना है, और डालने के बाद ये जो जम्फर लगा से हम ऐसे लगाओगे तो आपके बूट 100% काम करने लग जाएगा। जैसे वो जम्फर नहीं लगाओगे तो ओनली आपका 88 वर्किंग रहेगा, फ्रंट पैनल काम नहीं करेगा, बाकी रिमोट उमोट सब वर्किंग रहेगा। ऐसे करने से आपका फ्रंट पैनल भी काम करेगा, रिमोट भी वर्किंग करेगा, सब चीज़ करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जुगाड़ मेरा यूट्यूब चैनल पर ही मिलता है, आपको किसी के चैनल पर नहीं मिलेगा। जो मैं दिखाता हूँ ये बूट सेटिंग का, वो आपको किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा, ओनली मेरे चैनल पे बस मिलेगा, और इसका 100% वर्किंग है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।